श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काढ़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय चौथा। श्री राम तव अर्जुन मणे श्रीहरी माय आपुले याचा स्नेह करी एत विस्मयो काय अवधारी कृपा निधी। तू संसार शांतांची साऊली अनाथ जीवांची माऊली आमुते कीर प्रसवली तुझीच कृपा। देवा पांगुळ एकादे विजे तरी जन्मोनी जो जारो साहिजे हे बोलो काय तुझे तुझची पुढा। आता पुसेने जे मी काही एथ निके चित्त दे देवीची देव कोपावे ना काहे बोलाय का। तरी मागील जे वार्ता तुवा सांगितली होती अनंता ते नावेक मज चित्ता मानेची ना। जे तो विवस्तु तू म्हणजे काही ऐसे हे वडिला ठाऊवे नाही। तरी तुवाची केवी पाहिये उपदेशिला पुंडली कवर दे हरि विठ्ठल। श्री ज्ञान देव तुकारा पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगद्गुरु श्री के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी को श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह पिछले सत्संग में हमने यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यह ज्ञान जो मैंने तुम्हें अभी बताया है, यह ज्ञान जो कर्मयोग शास्त्र जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है यह ज्ञान जो है ये पहले मैंने सूर्य को बताया था। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने तुमसे पहले सूर्य को बताया था, तब अर्जुन के मन में बहुत सारे सवाल उमड़ कर आते हैं और बहुत सारे सवाल ऐसे उमड़ कर आते हैं कि उसे बहुत कन्फ्यूजन होता है। अर्जुन को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अभी ये भगवान श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि मैंने ये सवाल मतलब मैंने ये ज्ञान पहले अर्जुन को पहले सूर्य को दिया था। कैसे है कि जो अर्जुन है ना वो नया 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 प्रश्न निर्माण करता है। भगवान कृष्ण उनका हर एक प्रश्न का समर्पक उत्तर देते हैं, तो भी अर्जुन के मन में जितने शंका है वो एक एक अर्जुन निकाल रहे हैं। अभी उन्होंने नई शंका निर्माण किया है कि देखिए भगवान, आप बोल रहे हैं कि मैंने पहले सूर्य को बताया, अरे आप तो अभी क्या है, सूर्य कभी हो गया, वो कभी हो गया, वो कौन है ये हमें मालूम नहीं, हमारे पुरखों को मालूम नहीं है।
तो ये भगवान कैसे शक्य है कि आप अभी क्या है मेरे आप मित्र है, मेरे निकट के है, ये सब मुझे मान्य है, लेकिन ये जो आप बात ने बात की ना, वो मुझे पूछने का है, लेकिन बुरा मत मानो, लेकिन मन में है इस कर्म पूछते। ऐसे करके अर्जुन ने प्रश्न पूछा है भगवान कृष्ण को कि भगवान मेरे मन में ऐसी एक शंका है, आप राग मत मानो, बुरा मत मानो, कि आपने ये ज्ञान जो था वो ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, ये सब हमने सुना, लेकिन इधर थोड़ा सा खटक रहा है, ये कैसे शक्य है? क्योंकि आप अभी क्या है और सूर्य भगवान कभी होकर गया या कभी पैदा हो गया, ये हमारे पूर्वजों को भी मालूम नहीं है, तो मुझे मालूम होने का संबंध ही नहीं है, तो मेरे ध्यान में नहीं ये आ रहा है कि आपने उनको ये ज्ञान कैसे दे दिया। ये जानने की जिज्ञासा है, कृपा करके जवाब दे दीजिए, ऐसा प्रश्न भगवान ने कृष्ण को पूछा है। आगे बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को बताया, जैसे अभी हमने अपने जगत गुरु श्री के अमृत वाणी से सुना कि किस तरह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से सवाल पूछ रहे हैं कि मैं ये कैसे मानूं कि आपने ये पहले ज्ञान जो है वो पहले सूर्य को दिया था और मैं एक बालक हूँ, आप एक मुझे माँ की तरह समझाने की कोशिश कीजिए कि मेरे जैसा जो ना समझ है वो इस बात को भी समझ सके कि ये ज्ञान आपने इससे पहले सूर्य को दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम्हारा और मेरा जन्म ये अभी का नहीं है, तुम्हारा और मेरा जन्म बहुत पहले का है, यानी मैं अजन्मा हूँ और तुम्हें अपने जन्म का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम माया के अधीन हो और मैं माया के अधीन नहीं हूँ, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं इस हर क्रिया में हूँ, मैं हर विधि में हूँ, मैं हर गतिविधि में हूँ, यहाँ तक कि तरंगों को भी कंपित रखा है मैंने, तो इसी तरह हर एक सृजन से लेकर षडन में लेकर हर एक इसमें मेरा अस्तित्व है और मुझे ये ज्ञात है, पर तुम्हें ये ज्ञात नहीं है क्योंकि तुम अज्ञान में माया के अधीन हो चुके हो, तुम इंद्रियों में इतने जकड़ चुके हो कि तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो जन्म और आजन्म का ये जो अभी संवाद चल रहा है ना, ये ज्ञान और अज्ञान के विषय है, ज्ञान और अज्ञान जो समांतर चलता है और ये अभी से नहीं है, बहुत पुराने सालों से है, बहुत युगों युगों से ये चलता आ रहा है कि जन्म और आजन्म यानी ज्ञान और अज्ञान ये समांतर चलते हैं, जहाँ पर दिन है वहाँ पर रात है, जहाँ पर प्रकाश है वहाँ पर अंधेरा है। अभी हम ये दृष्टांत के जरिए सुनने की कोशिश समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान और अज्ञान कैसे समांतर चल रहे हैं, या फिर तुम्हारा जन्म अभी का है, तुम मुझे सिर्फ हाड़ मास का जो कृष्ण है इसे देख रहे हो, पर मैं जो देख रहा हूँ ये बहुत सारे पहले जन्मों से जो हमारी आत्मा है परमात्मा, ये हम जो सुन रहे हैं ये समांतर कैसे चल रहे हैं, इसका जो उदाहरण है ये दृष्टांत के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध जी ज्ञानी पुरुष थे, पर उनके बड़े भाई जो थे उनको वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी के बड़े भाई गौतम बुद्ध जी से कहते हैं कि देखो, तुम जहाँ जहाँ रहोगे मैं भी वहीं वहीं रहूँगा, तुम मुझे वचन दो कि तुम जहाँ पर रहोगे मैं भी वहीं पर रहूँगा। तो गौतम बुद्ध जी अपने भाई को वचन देते हैं कि मैं जहाँ रहूँगा तुम वहीं रहोगे। तो गौतम बुद्ध जी पर्णकुटी में रहते थे, उनके ज्ञान का तेज सारी ओर फैला हुआ था, हर दिन हर रोज बहुत सारे लोग उनसे ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए उनके पास आते थे, और ये जो उनका भाई था जिसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी वो पर्णकुटी के बाहर बैठता था। एक दिन वो भाई गौतम बुद्ध जी के जो भाई थे वो गौतम बुद्ध जी से कहते हैं कि मुझे आज तक तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दिखाई दिया, ये न जाने लोगों को तुम्हें क्या ज्ञान दिखाई देता है, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं
कि ये जो ज्ञान है, यानी ये जो ज्ञान मुझ में दिख रहा है वो तुझ में नहीं दिख रहा है, ये तुम्हें भी दिखेगा जिस दिन मेरा निर्वाण होगा, उसके दूसरे दिन तुम्हें भी ये ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जी का जो जिस दिन निर्वाण हुआ उसके दूसरे दिन उनके भाई को भी ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर अज्ञान भी है, और यही भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे जो हम श्लोक सुनने वाले हैं, यह श्लोक हमने बचपन से सुना हुआ है, युगों युगों से ये हमने श्लोक, जब से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई है तब से हम ये श्लोक सुन रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म को ग्लानि आती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर संभव होता हूँ, और साधुओं की रक्षा के लिए मैं युगे युगे प्रकट होता हूँ और धर्म स्थापना करता हूँ, उनकी सुरक्षा करता हूँ। इसका अर्थ क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब, यानी कृष्ण का अवतार होता है। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं माया को अपने वशीभूत करके, माया को अपने वश में करके संभव होता हूँ। इसका अर्थ क्या है? देखिए, हम संप्रदाय में आने से पहले हम सोचते थे, हम अभी अभी जब सोचते हैं कि संप्रदाय में आने से पहले हम कैसे थे, हमारी विचारधारा कैसे थी, हमारा रवैया कैसे था, हमारी सोच कैसे थी, और अभी जब हम सोचते हैं उस सोच के बारे में जो संप्रदाय के पहले थी, तो हमें लगता है वो सारी चीज़ें हमें बेमानी लगती हैं, वो सारी चीज़ें हमें अलग लगती है, अजीब लगती है। पर अभी अलग क्यों लगती है? अभी वो हम कहते हैं कि अब संप्रदाय में हमारे सद्गुरु के पास आने के बाद मुझ में वो दृष्टि विकसित हुई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि माया को, माया का जो स्तर, माया का वर्चस्व जो हमारे विचारों पे था वो कम हो चुका है, और हम में वो जागृत भाव आ गया है जिसमें हमें सच क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, गलत चीज़ें क्या है, ये सोचने की बुद्धि हमें प्राप्त हुई है। और यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और यही हम में भी जो माया का हमारे ऊपर जो प्रभुत्व है वो कम होकर कृष्ण भाव जो है, या फिर कृष्ण जो है वो प्रकट हो रहे हैं। जैसे कि हमारे सद्गुरु हमें कहते हैं, हमारे जगतगुरु श्री हमें कहते हैं कि अगर हमें, हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अगर हम विश्व के लिए सब कुछ मांगते हैं, तो विश्व के लिए जब मांगते हैं तो विश्व में हम भी तो आते हैं, तो विश्व का कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। तो ये जब बुद्धि हम में विकसित होती है, ये आत्मबुद्धि जब हम में विकसित होती है और देह बुद्धि कम होती है, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया को वशीभूत करके मैं प्रकट होता हूँ। यानी हमारे अंदर जो माया है, इंद्रियों से हम जकड़े हुए हैं, आज भी हम पारतंत्र में जी रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज भी हम इंद्रियों के अधीन हैं। तो ये इंद्रियों को, यानी माया को वशीभूत करके जो भाव जागृत हो रहा है, यही भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि माया को वशीभूत करके मैं प्रकट हो रहा हूँ। देखिए, सर्जन जब एक सर्जरी करता है तो उसे पता होती है कि प्रोसीजर क्या है, तो वही ये श्लोक में समझाने की भगवान श्री कृष्ण जी कोशिश कर रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूनाम, यानी साधुओं की रक्षा के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पे कौन से साधुओं की बात कर रहे हैं, और किस साधुओं की रक्षा के लिए भगवान श्री यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं प्रकट होता हूँ? साधु यानी वो जो साधना में रत है, साधु यानी वो जिसे ये पता है कि मेरा फर्ज क्या है, जिसे ये पता है कि स्वकर्म क्या है, जिसे ये पता है कि स्वधर्म क्या है, जिसमें अपने आप में होने वाले बदलाव को जिसको नियमित रखने आता है। जैसे हमने कई सत्संगों में स्वामी जी के मुख से, अमृतवाणी से ही एक शब्द सुना है, सातत्य, यानी जो अपने आप में बदलाव, अच्छे बदलाव, अच्छे विचारों के बदलाव, सकारात्मक विचारों के जो बदलाव है वो हर पल लाने की कोशिश करता है, वो साधु है। हम एक उदाहरण के जरिए इस पूरे श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी था, वो आदमी जब भी अपने ऑफिस से घर आता था, उसकी पत्नी और माता मिलके जो खाना बनाती थी वो खाना उसे परोसती थी। अब वो क्या करता था, थका रहा आता था और पूरा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालता था, कैसा खाना तुमने बनाया, इसमें नमक नहीं है, तीखा नहीं है, मीठा नहीं है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और अपनी पत्नी का अपमान करता था।
तो भगवान ने ये बात सुन ली और भगवान ने उसे अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। ठीक है, चलो मैं इसे और एक अवसर दे देता हूँ। अब इसके बाद उसे ये आदत लगती है हर एक का अपमान करने की। वो एक दिन अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ होटल में खाना खाने के लिए जाता है। तो जब वो होटल में खाना खाने के लिए जाता है तब वहाँ पे वेटर का अपमान करता है, होटल के जो मैनेजर वगैरह थे, बाकी के लोग थे, उनका अपमान करता है। अब भगवान सोचता है कि इसे इसके कर्म की सज़ा तो, या फिर इसे सज़ा के बदले हम कहेंगे कि इसे इसके कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए। तो उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, उसकी जॉब की ट्रांसफ़र होती है। और ट्रांसफ़र ऐसे गांव में होती है जहाँ पे दूर दूर तक कोई होटल नहीं होता है और उसे खुद खाना बना के खाना पड़ता है, खुद खाना पकाना है और खुद खाना है। अब वो जिस घर में रह रहा था, उस घर में उसके बाकी के जो दफ्तर के साथी थे वो भी उसके साथ रह रहे थे। तो हर एक के ऊपर एक एक टर्न था खाना बनाने का। अब जब उसकी बारी आती थी तो उसके जो दफ्तर के साथी थे उसका बड़ा अपमान करते थे, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, खाने में नमक नहीं डाला है, खाने में बिल्कुल भी तीखापन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब उसे महसूस होता है, देखिए गौर से सुनिए, तब उसे महसूस होता है कि मैंने मेरे भी प्रियजनों का ऐसे ही अपमान किया था। तो ये जो बदलाव जो है ना, ये जो महसूस हो रहा है इसे कि मैं गलत कर रहा हूँ, यही साधु तत्व है। और इसी साधु तत्व की रक्षा करने के लिए सद्गुरु होते हैं। इसी साधु तत्व की रक्षा के लिए कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो अच्छे विचार हैं, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना है, ये तुम जो विचारों से भाग रहे हो और तुम्हारे अंदर जो अधर्म बढ़ रहा है उसे कम करो, और तुम्हारे अंदर जो साधुत्व है उसे जागृत करके कुरुक्षेत्र में कौरवों के खिलाफ युद्ध करो। यही इस श्लोक का अर्थ है। तो आगे इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत जो अर्जुन को कहा गया है, भारत यानी ऊंची भावना में रत होने वाला, यानी जिसका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि संभवामी युगे युगे, युगे युगे यानी एक युग नहीं कहा है, युगे युगे कहा है, यानी हर क्षण हर वो परिस्थिति जिसमें बदलाव होता है, अच्छा बदलाव होता है, वो हर एक अच्छा बदलाव यानी ही भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण है। हर एक काल में, हर एक परिस्थिति में, हर एक क्षण में जहाँ पर अच्छा अच्छा बदलाव हो रहा है वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इस सृष्टि की रचना की है। हम क्या सोचते हैं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, यानी क्या कि ये पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, ये सृष्टि यहाँ से उधर हो जाएगी, पूरा तहस नहस होगा और एक दिव्य उजाला आएगा और फिर भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट होंगे। ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि इस सृष्टि के रचयिता ने जो सृष्टि निर्माण की है, एक ये जो प्रोग्राम है, ये जो सृष्टि उन्होंने निर्माण की है, अगर इसमें कहीं भी कुछ भी गलत हो जाता है तो वो रक्षा करने के लिए, वो अधर्म को कम करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण होता है। तो इसी प्रकार एक हे अर्जुन, इस प्रकार हम खुद बार बार जन्म लेते हैं। क्यों जन्म लेते हैं? कि जब जब अधर्म हो जाता है, अधर्म बढ़ता है, तो मेरी जिम्मेदारी है वो अधर्म से बाहर निकालना। क्योंकि सत मार्ग से चलने वाले लोगों को जब तकलीफ होती है तो विधाता का ही काम है, वो सत मार्ग और सत्यमेव जयते ये वृद्ध जीवित रखना। इसी कारण जब जब अच्छे मार्ग चलने वाले लोग हैं वो लोगों का विनाश नजदीक आ गया। प्रणीत परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे हम हर युग में आते हैं। आपको शंका जरूर है मन में कि हमने ये सूर्य को कैसे बताया, लेकिन आप भूल गए हैं। क्यों?
माया के वजह से आप भूल गए हैं, इसलिए ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं। लेकिन हम माया को अधीन करवा के, माया पर प्रभुत्व मिलवा के जन्म लेते हैं। जब जब धर्म को ग्लानि आती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत यानी अर्जुन, जब जब असत्य का प्रभाव बढ़ जाता है, तब तब, आज नहीं सिर्फ तब तब, यानी पहले से ही यह हमने काम शुरू किया है और अनेक जन्म हमने अभी तक ले लिए है और हर जन्म में आप मेरे साथ रहते हैं। फर्क इतना ही है, हम आपको पहचानते हैं, आप मुझे पहचानते नहीं है, ये दोनों में फर्क है। इस कारण आपका जो प्रश्न है कि मैंने सूर्य भगवान को यह ज्ञान कैसा दे कैसा दिया, ये शंका मन में जरूर है। लेकिन जब तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा ना, तब तुम्हें पूरी याद आ जाएगी, क्योंकि अरे मैं भगवान हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतम, यानी अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करना, ये मेरी तो जवाबदारी है। अधर्म की सत्ता उखाड़ना और उखाड़ के फेंक देना, ये विधाता का ही काम है और ये काम मुझे निभाना पड़ता है। आप अज्ञान के वजह से मुझे ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इसका मुझे बुरा नहीं लगा। मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाना, ऐसे हम समझते हैं। इसी कारण हम आपको ये बताएंगे कि आपकी शंका जरूर योग्य है, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं अनेक बार आपके साथ जन्म ले चुका हूँ। और इतना ही नहीं, इससे भी आगे हम आपके साथ आने वाला है। जब जब यह धराधाम पर अराजकता फैल जाएगी, अराजकता बढ़ जाएगी, अधर्म का राज आ जाएगा, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, लेने वाला है। पहले लेंगे, ले लिए और आगे लेने वाला भी है। यही अवतार लेकर मेरा कार्य खत्म हुआ ऐसे नहीं। ये मन में जो शंका है वो हटा दो, और हम क्या बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। हम जो बोल रहे हैं, हम जो आपको बता रहे हैं, ये मार्ग ही सच्चा है मार्ग। आपके पास अज्ञान है, आप अज्ञान में फंसे हुए हैं, अभी तक आपको शुद्ध ज्ञान नहीं है, इसी कारण आप अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर अपने ध्येय से दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं। आपके मन में एक ही है, वो भय है पाप का। मैं युद्ध करवा के मेरे हाथों से ये इतने लोग मर जाएंगे और उसका जो पाप हो जाएगा वो मुझे लगेगा, ऐसे समझकर आप दिया बुद्धि में बंदिश्त हो रहा है। बंदिश्त होने का प्रयास कर रहे हैं, वहां से बाहर आइए। और देह यानी आप अर्जुन है ऐसे मत समझे। हे भरत, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मुझे अभी जो हम कर्म कर रहे हैं ना, ऐसा कर्म करना ही पड़ता है,
उसमें से ही ये भाग है, ऐसे समझे। और हम जो आपको आज निर्देश दे रहे हैं कि चलो उठिए और रथ में बैठो, रथ में सवार हो जाइए, हाथों में धनुष बाण ले लो और युद्ध करो, ये जो हम आपको आज्ञा दे रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है आप ज्ञानी हैं, लेकिन आपको एक ज्ञान का अनुभव नहीं है। इस कारण बार 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 भ्रमित होकर मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये मन में जो भ्रम पैदा हुआ है वो हटाइए और हम जो बोल रहे वही सही है, वो मार्ग से चलिए। ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रश्न देकर, जवाब देकर निरुत्तरित करते हैं। आगे अर्जुन उसके ऊपर क्या भगवान को प्रश्न पूछते हैं ये हम अगले सत्संग में जरूर सुनेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काणसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की।